हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले आईसीआर पीजी पीएचडी का आपका रिवाइज शेड्यूल है जो आ चुका है, क्योंकि पहले जो आपका है फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट नहीं आई थी, जो टाइम टेबल था आपका, दोबारा हमने आपको अपडेट दी थी कि आपका दोबारा से रिवाइज शेड्यूल आएगा, और हमने कहा था वैसा हो चुका है, रिवाइज शेड्यूल आपका आ चुका है। अपन देखने वाले हैं कि कब कब आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले चीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, काफी जो ज्यादा स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अपडेट्स लेते हैं। साथियों, तो अगर आप चाहते हो कि सभी जानकारी आपको एक जगह सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिले, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट टाइमली मिलती रहे। साथियों, तो अपन बात करते हैं कि कब आपके फर्स्ट राउंड का जो है अलॉटमेंट आने वाला है। साथियों, सबसे पहली चीज, आपके फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 30 तारीख को आएगा। साथियों, 30 तारीख को आने के बाद में मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको क्या करना है, एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अप्लाई द कैंडिडेट। मैं बता दूं, 2 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वहां पर कंप्लीट अपलोड करने हैं, जो भी सीट आपको अलॉट होगा उसके लिए देरी नहीं करनी। इस टाइम शेड्यूल में दोबारा से चेंजेस नहीं होंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी 3 तारीख को, यानी कि एक दिन बाद में यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, जो आपने डिटेल दी है वो सही है या गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सही डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद में एंड ऑफ रिसबमिशन डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट, उसके बाद में 4 तारीख को अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है और उनमें कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि है या कोई गलती है, तो आपको दोबारा से टाइम दिया जाएगा कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड कर दो। साथियों, फिर एंड ऑफ वेरिफिकेशन बाय द रिसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट बाय द यूनिवर्सिटी, 4 तारीख को ही यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को दोबारा से चेक करेगी कि आपने सही डिटेल फिल की है या नहीं की, और उसी दिन 4 तारीख के दिन ही आपका जो है सीट एक्सेप्टेंस एंड फीस डिपोजिशन जो है आपको करना है। यहीं पर आपको 4 तारीख का आपके फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट होगा, तो आपको अपनी सीट को फ्रीज करनी है या फिर अपग्रेड करना है। तो साथियों, ये है आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। उसके बाद आपके सेकंड राउंड 7 तारीख को स्टार्ट होगा, 10 तारीख तक ये चलने वाला है। थर्ड राउंड 11 तारीख को स्टार्ट होगा, उसके बाद 17 तारीख तक चलने वाला है। फोर्थ राउंड 21 तारीख को होगा और 24 तक चलने वाला है। और मॉपअप राउंड, जो ये रामबाण चीज है, मॉपअप राउंड क्या होता है, जिन साथियों को कॉलेज नहीं मिल पाती या कोई गलती कर देते हैं उनके लिए रामबाण रहता है मॉपअप राउंड। साथियों, उसमें आप भी कॉलेज ले सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना है, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस या ब्राइट एग्रो 4845, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हो और कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको डाउट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, आप सर्च करके हमें मैसेज कर सकते हो, ब्राइट एग्रो 4845 या ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।